Hello, class. Today I am going to teach you your book Beehives, Chapter 6 My Childhood, which was written by APJ Abdul Kalam. First of all, introduction of the lesson. Uh, Abdul Kalam's biography is titled uh, Wings of Fire, and the chapter My Childhood talks about the Childhood of APJ Abdul Kalam. He was the president of India and a great scientist too. APJ talks about his upbringing, his parents, and siblings. He tells us about his friends and all those things that influenced his childhood. Okay. आज जो हम लेसन पढ़ रहे हैं माय चाइल्डहुड ये डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम के द्वारा ही लिखा गया है और उनकी जो बायोग्राफी है उनकी बायोग्राफी का नाम है विंग्स ऑफ फायर और ये जो चैप्टर है माय चाइल्डहुड इसके ये पूरा ए पी जे अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में बताता है जो कि हमारे, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं और बहुत ही महान एक साइंटिस्ट भी हैं साइंटिस्ट भी थे और ए पी जे अब्दुल कलाम इस चैप्टर के अंदर वो कैसे बड़े हुए अपने पेरेंट्स के बारे में अपने भाई बहन के बारे में और उनके जो भी दोस्त थे और जिन जिन ने उनके बचपन को इन्फ्लुएंस्ड किया उन सब के बारे में इस चैप्टर में उन्होंने बताया है ओके नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट फर्स्ट ए जे अब्दुल कलाम वॉज बोर्न इन टू मिडिल क्लास तमिल फैमिली एंड हिज प्लेस ऑफ बर्थ रामेश्वरम इज एन आइसलैंड टाउन इन द स्टेट तमिलनाडु इन द बे ऑफ बंगाल टुडे वी नो दिस स्टेट इज़ तमिलनाडु बट व्हेन ही वाज बॉर्न एट द टाइम द स्टेट वाज नोन एज मद्रास स्टेट ओके ए पीजे अब्दुल कलाम जो थे उनका जन्म एक family, class, तमिल फैमिली मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय तमिल फैमिली के अंदर हुआ था और उनका जन्म रामेश्वरम में हुआ ये एक छोटा सा आइसलैंड है और जो कि वे ऑफ बंगाल तमिलनाडु स्टेट में है और टुडे इस स्टेट को हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं लेकिन जब वो ए पी जे अब्दुल कलाम Uh, जब वो बॉर्न हुए थे पैदा हुए थे उस समय हम इसको मद्रास स्टेट के नाम से जानते थे ओके कलाम्स फादर्स नेम वाज आब्दीन ए पी जे सेज दैट हिज फादर वाज नॉट वेरी रिच ही डिड नॉट हैव वेल्थ ही वाज नॉट हाईली एजुकेटेड बट डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस ही हैड सम अदर क्वालिटीज ही वॉज़ नेचुरली वेरी वाइज एंड वाज जनरस टू कलाम बताते हैं कि उनके पाप उनके पिता का नाम जैनअल आब्दीन था और ए पी जे कहते हैं कि उनके पिता बहुत धनवान नहीं थे और ना ही उनके पास बहुत संपत्ति थी आ, लेकिन वो खूब ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे लेकिन इन सब चीज़ों इन सब जो उनकी कमियां थीं इन कमियों के बाद भी उनके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी और वो बहुत ज़्यादा समझदार थे और उदार थे दयालु टाइप के थे हिज़ मदर नेम वाज आशिम्मा

हर चीज़ में उनके पिता का सपोर्ट करती थी और ए पी जे अब्दुल कलाम की जो माँ थी वो भी बहुत उदार थी दयालु थी वो प्रतिदिन बहुत सारे लोगों को खाना खिलाती थी और वो केवल अपने घर के लोगों को ही नहीं बल्कि बाहर के बहुत सारे लोगों को वो डेली उनका नियम था कि उनको वो खाना खिलाती थी अब्दुल कलाम हैड मैनी सिबलिंग्स एंड ही डेस्क्राइब्स हिमसेल्फ देट ही हैड शॉर्ट हाइट एंड कॉमन लुक्स ही डिड नाट हैव एनी एक्सेप्शनल लुक्स ऑन द क्वान्टेरी हिस्स पेरेंट्स वर वेरी टॉल एंड हैंडसम दे आर गुड लुकिंग ए पी जे डिड नाट इन्हेरिट देर फिजिकल क्वालिटीज मीन्स जो ए पी जे अब्दुल कलाम थे उनड मैनी सिबलिंग्स उनके बहुत सारे भाई बहन थे लेकिन जो uh, कलाम थे वो शॉर्ट हार्डेड थे कॉमन लुक्स खूब खूब ज़्यादा स्मार्ट नहीं थे और uh, 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 और जबकि उनके जो पेरेंट्स थे उनके पेरेंट्स बहुत टॉल हाइटेड भी थे और उनके पेरेंट्स जो उनके पिता थे बहुत हैंडसम थे माँ भी बहुत उनकी गुड लुकिंग थी लेकिन ए पी जे अब्दुल कलाम ने अपने पिता की जो फिज़िकल क्वालिटी थी उसको इनहेरिटेड नहीं किया था मतलब पेरेंट्स ज़्यादा स्मार्ट थे ए पी जे अब्दुल कलाम उतने गुड लुक्स उनके उतने नहीं थे ए पी एंड सेंट्रल हाउस वॉज़ वेरी ओल्ड इट वॉज़ बिल्ट इन द नाइनटीन सेंचुरी It was a pakka house which was made of bricks and limestone. Uh, it is located on the Mosque Street in Rameshwaram. His father was very simple but he was strict also. He wanted uh, to live his life in a simple way and he, he used to teach his children not to waste money um, on unnecessary things. APJ says that his father used to avoid any kind uh, of... Uh, इन असेंशियल कम्फर्ट एंड लग्जरीज मीन्स ए पी जे अब्दुल कलाम का जो जो पुरखों का जो उनका घर था वो नाइनटीन सेंचुरी का बना हुआ था ये पक्का घर था जो कि लाइम स्टोन और ब्रिक का बना हुआ था और ये रामेश्वरम की मोस्क्यू स्ट्रीट के अंदर इनका घर था इनके पिता बहुत सिंपल थे लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे ही वॉन्टेड टू लिव हिज़ लाइफ इन अ सिंपल वे मतलब अपने जीवन को तो वो बहुत साधारण तरीके से जीते थे और अपने बच्चों को भी वो ये सिखाते थे कि हमें पैसों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और वो ए पी जे बताते हैं कि उनके जो पिता थे वो इन असेंशियल चीज़ों को जो चीज़ ज़रूरत नहीं होती ऐसे कम्फर्ट को ऐसे लग्जरीज को वो अनदेखा करते थे ओके ही प्रोवाइडेड देम ऑल द नेसेसरी थिंग्स लाइक फूड क्लोथ एंड मेडिसिन ए पी जे सेज दैट हिज पेरेंट्स फुलफिल्ड ऑल हिज नीड्स वाइदर इट वॉज़ एनी टेंजिबल थिंग्स और दियर लव एंड अफेक्शन दिस शो दैट ही वॉज द ही हैज़ द क्वालिटी ऑफ ग्रेटिट्यूड ए पी जे इज़ थैंकफुल टू हिज पेरेंट्स फॉर वॉट एवर दे डिट फॉर हिम अब यहाँ कलाम बताते हैं कि जो उनके पिता थे वो खुद भले कैसे भी रहें लेकिन अपने बच्चों को वो हर चीज़ प्रोवाइड कराते थे जैसे कि खाना कपड़े दवाइयाँ हर चीज़ बच्चों को टाइम से मिलती थी जितनी जरूरतों ज़रूरतों की बच्चों की चीज़ होती थी वो सब उनको प्रोवाइड होती थी चाहे वो ज़रूरत का सामान हो प्यार हो दुलार हो जो भी हो लेकिन अपने बच्चों को सब कुछ देते थे और ये जो उनकी ये जो उनकी क्वालिटी थी ये उनकी स्पेशल क्वालिटी थी और ए पी जे अब्दुल कलाम अपने पेरेंट्स को जो उनके पेरेंट्स ने जो उनके लिए किया उनको वो दिल से थैंक बोलते हैं APJ was 8 year old when the Second World War broke in the year 1939. Uh, so we can calculate that he was born in the year 1931. The demand for uh, uh, tamarind seeds increased in the market. Uh, APJ used to collect and sell the seeds. He would earn a, a sum of anam which equals 6 paise uh, when he addresses it as a, a princely sum. समथिंग वेरी ग्रेट एंड वैल्यूबल फिर आगे ए पी जे अब्दुल कलाम ने बताया है हमें कि जब वो आठ साल के थे जब वो आठ साल के थे उस समय नाइनटीन थर्टी नाइन के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो शुरू हुआ और उस समय अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका मतलब उनका जन्म नाइनटीन थर्टी वन में ए पी जे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था और जो नाइनटीन थर्टी नाइन के अंदर जब वो आठ साल के थे तो उस समय ए, टेमेरिन सीट टेमेरिन सीट आपने वो इमली जानते होंगे आप तो इमली के आ, उस समय इमली की डिमांड बहुत ज़्यादा थी मार्केट में तो ए पी जे अब्दुल कलाम क्या करते थे कि उनको कलेक्ट करते थे और उसको सेल करते थे और बदले में उनको क्या मिलता था केवल वन आना एक आना उनको मिलता था उस समय आना चलता था तो एक आना उनको मिलता था इक्वल विद सिक्स पैसे जो कि छः पैसे के बराबर था और वो बद और जब वो अपने उस एक आने की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि वो मेरे लिए प्रिंसली सम था मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा सम था और मेरे लिए बहुत बहुत वैल्यूबल था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उनके वो उनका खुद से कमाया हुआ पैसा था कलाम्स ब्रदर्स इन लॉ जैनुअल आब्दीन यूज़ टू टेल सॉरी कलाम्स ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन यूज़ टू टेल हिम द स्टोरीज ऑफ द ऑन गोइंग वर्ल्ड वॉर कलाम यूज़ टू रीड द न्यूज़पेपर दीना मनी और कलाम के जो ब्रदर इन लॉ थे यानी जो उनके साले थे जलालुद्दीन वो उनको वर्ल्ड वार की स्टोरीज बताते रहते थे और जो कलाम थे वो एक दीना मनी आता था उस समय उसको वो अधिकतर पढ़ते थे उस वाले न्यूज़पेपर को एंड यूज़ टू लुक फॉर द न्यूज़ ऑफ़ द सम स्टोरीज़ और न्यूज़ के साथ साथ जो कुछ कहानी उसके अंदर आती थी उस कहानी को भी वो पढ़ते थे रामेश्वरम वाज अ स्मॉल आइसलैंड टाउन रामेश्वरम एक छोटा सा स्मॉल लैंड टाउन था सो इट वाज नॉट अफेक्टेड बाय द वर्ल्ड वार इन द बिगिनिंग तो जब वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई तो उस छोटे से टाउन पे वहाँ कोई खास फर्क नहीं पड़ा बट आफ्टर सम टाइम इंडिया हैड टू जॉइन द वार एंड कम्बाइंड विद द अलाइड फोर्सेज देन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर इन द कंट्री और उसके बाद क्या हुआ लेकिन Uh, बाद में इंडिया ने जब बीच में इंडिया भी जब उसमें आ गया तो उसने अलाइड फोर्स का साथ देने का निर्णय लिया और उस समय जो पूरी कंट्री के अंदर इमरजेंसी लग गई थी द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड सॉरी द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ऑन पीपल ऑफ रामेश्वरम वाज द कैंसिलेशन ऑफ द ट्रेन स्टॉपेज एट देयर स्टेशन विद दिस द न्यूज़ पेपर बंडल विच यूज़ टू कम फ्राम द रामेश्वरम वोन आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन एज़ इट रीज रामेश्वरम रोड और हुआ क्या कि और जो सबसे पहला असर हुआ इमरजेंसी का वो ये हुआ कि रामेश्वरम के अंदर जो उनके स्टेशन पे जो ट्रेनें रुकती थी वो रुकना अब बंद हो गई तो इससे हुआ क्या कि जो न्यूज़पेपर के जो बंडल आते थे वो जैसे ही रामेश्वरम रोड आता था तो वो ट्रेन से उनको बाहर फेंक दिया जाता था ए कज़न शमशुद्दीन यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द न्यूज़ पेपर इन रामेश्वरम ही नीडेड समवन टू हेल्प हिम कैच द न्यूज़ पेपर कलाम हेल्प हिम बाई कैचिंग द बंडल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द न्यूज़ पेपर इन रिटर्न ही पेड हिम अ सैलरी विच वॉज ए पी फर्स्ट अर्निंग अब देखिए ए पीजे अब्दुल कलाम का जो कज़न था शमशुद्दीन वो क्या करता था कि वो रामेश्वरम के अंदर पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता था और उसको उसको कोई उसको किसी की मदद चाहिए थी जो उस न्यूज़पेपर को जब वो फेंके जाते थे ट्रेन से तो उस, उसको बंडल को कलेक्ट कर सके और फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर सके तो ए पी जे अब्दुल जो कलाम थे वो उसकी हेल्प करते थे बंडल को कलेक्ट करने में और जो न्यूज़पेपर था न्यूज़पेपर के डिस्ट्रीब्यूटिंग में उनको बांटने में भी उनकी मदद करते थे और बदले में जो उनका कज़न था वो एज ए सैलरी उनको उनको मतलब कुछ ना कुछ देता था और ये जो उनको मिलता था वो ए पीजे अब्दुल कलाम की फर्स्ट अर्निंग थी फर्स्ट अर्निंग मतलब मतलब एक तरह से जो सैलरी जो मिलती वो उनकी फर्स्ट सैलरी थी दिस इंसिडेंट हैपन फिफ्टीन ईयर्स अगो इवन नाउ वैन ही रॉट द बुक ही कुड फील सेटिस्फाइड एंड प्राउड ऑफ हिमसेल्फ ही सेज डेट वेवर वेन एवर समन अर्नस हिज ऑन मनी विद हिस हार्ड वर्क ही फील्स इट द सेम वे एज ई डिड और ये जो इंसिडेंट था ये न्यूज़पेपर वाला ये फिफ्टी इयर्स हो पचास साल पहले की बात थी और उसके बाद जब ए पी जे अब्दुल कलाम ने अपनी बुक में लिखा तो उन्होंने लिखा कि मैं बहुत संतुष्ट था एंड मुझे अपने अपने पर गर्व था इस चीज़ के लिए और उन्होंने कहा कि जब भी कोई भी व्यक्ति अपने कठोर परिश्रम से जब वो कुछ कमाता है तो वो वैसा ही फील करता है जैसा ए पी जे अब्दुल कलाम ने किया सो so, इन द पार्ट वन हम लोगों ने देखा कि ही लिव्ड अ वेरी सिंपल वेरी सिंपल लाइफ हम सोच नहीं सकते कि एक इतने मिडिल फैमिली का जो बच्चा था वो जाके देश का प्रेसिडेंट बना और इतना बड़ा साइंटिस्ट बना तो ये हम सब लोगों के लिए एक प्राउड प्राउड uh, uh, करने वाली बात है और एक एक तरह से मोटिवेशन भी है कि अगर हम अगर हम सोचें तो हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं ओके व्हाट हैपन इन द चैप्टर नेक्स्ट i will teach you in the part second if you have any problem in the explanation of first past uh, you can ask me till then goodbye